हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ क्रिस सैमुअल एंड यू आर वाचिंग क्रिस सैमुअल टू। तो टुडेज वीडियो, आज हम ये पुरानी दीवार घड़ी का पुनरुपयोग करेंगे और एक बहुत ही सुंदर सा होम डेकोर आइडिया बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड मटेरियल ओल्ड क्लॉक, वाइट ग्लू, ग्लिटर एंड रेड कलर का जो ये शीट है, पेपर शीट। फ्रेंड्स, ये कॉमन है, ये आपके पास होना चाहिए। बाकी यहाँ जितना भी मोती सितारा वगैरह रखा है, फ्रेंड्स ये आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ग्लास लिए हैं, ओल्ड बीट्स, सितारा, ग्लिटर, लेस एंड ये बॉल चेन है। फ्रेंड्स ये नहीं भी हो तो चलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं यहाँ सबसे पहले क्लॉक को खोल दूंगा। क्लॉक के जो पीछे है स्क्रू कसे हुए रहते हैं, हम इसे खोल देंगे। मैंने यहाँ पे क्लॉक के स्क्रूज खोल दिए हैं। देखिए ये बैक अलग हो गया है। ग्लास एंड मिरर, ये फ्रेम सॉरी, ये अलग अलग हो चुका है। इसके बाद हम ये जो नंबर लिखा हुआ वाला चार्ट है इसे भी निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए हमारे पास इस तरीके से क्लॉक का बैक साइड आ जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये रेड कलर का शीट लिया है और जो ये निकला था हमारा चार्ट नंबर वाला, हम इसी साइज का जो है सर्कल कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे सर्कल कट कर लिया है और मैंने यहाँ पे ये घड़ी का जो लोअर पार्ट मैंने आपको दिखाया था ये लिया है एंड में इसमें जो है कॉर्नर्स में फेविकॉल लगा दूंगा। अपने अच्छी तरीके से फेविकॉल लगा लेना है एंड इसके बाद में एक पेंटिंग ब्रश की मदद से इसे जो है थोड़ा स्प्रेड कर देना है। और आपने ध्यान रखना है कि आप ये चीज़ शायद कॉर्नर में ही करें, क्योंकि बीच में करेंगे अगर तो पेपर में जो है थोड़े से सल आ जाएंगे। और इसके बाद जो ये हमने अभी रेड कलर का पेपर कट किया है इसे हम इसके अंदर अच्छी तरीके से चिपका देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पेपर जो है चिपका लिया है, लेकिन पेपर में काफ़ी पता नहीं क्यों सल आ गए हैं। एंड अब जो है हम इस पर फेविकॉल की मदद से एक ट्री का जो है शेप बनाएंगे। इस तरीके से मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यह फेविकॉल से जो है पूरा ट्री शेप बना दिया है। अब हम इस पर जो है ये ग्लिटर स्प्रिंकल कर देंगे। आपने जो है ग्लिटर डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि फिर ना वो अच्छे से होता नहीं है। देखिए इस तरीके से मैंने इसे पूरा ही कवर कर दिया है। आपको जो है बस 5 मिनट ही रुकना है और एक्स्ट्रा ग्लिटर हम गिरा देंगे। ये देखिए मैंने जो यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा लिया है और एक्स्ट्रा ग्लिटर को आप इस तरीके से अच्छे से हटा देंगे। देखिए जो पूरी ट्री शेप है वो बन गई। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था, एक्चुअली कैमरा ब्लर हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे ट्री शेप बनाई है, अगर आप कुछ और शेप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देन फ्रेंड्स, मैंने जो आपको सितारा मोतीज वगैरह दिखाए थे, फ्रेंड्स अब बारी है इन्हें लगाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आप इन्हें कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत नाप तोल करना है। आप कहीं भी स्टार्स वगैरह लगा सकते हैं।
देखिए, मैंने जो यहाँ सितारा चिपकाना शुरू किया है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से यहाँ पे इन्हें सबको चिपका दिया। देखिए अब क्लियर दिख रहा है इस तरीके में। और जो है मैं इनसे और लगा दूंगा इस पे, लाइक दिस माय फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से जो है मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और अब हम इस पे ग्लास और फ्रेम लगा लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जो यहाँ पे फ्रेम को पेंट नहीं किया है, क्योंकि फ्रेम जो है थोड़ा ऑरेंजिश गोल्डन कलर पे है, वो इसके साथ इजीली जा रहा है इसीलिए। एंड मैं जो यहाँ पे ग्लास लगा दूंगा, देखिए ग्लास लगने के बाद जो है ये और भी अच्छा दिख रहा है। मैं फ्रेम लगा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार है, लाइक दिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करना कभी ना भूलें। देखिए ये वॉल पे कितना सुंदर लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।